अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से हमारे जिन स्टूडेंट ने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या बीकॉम का एडमिशन भेज रखा था 2020 के जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन थे उनके लिए, वो काफ़ी परेशान हैं कि उनके पेपर्स कब होंगे। पहले भी हम अपने चैनल पर एक वीडियो लगाई थी हमने, उसके अंदर हमने आपको अपडेट दी थी कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है ना सितम्बर के महीने में, यानी अब ये रिसेंट अगस्त ख़त्म होने के बाद सितंबर में बीए, बीएससी या एमए, एमएससी की डेट शीट का ऐलान करेगी। तो वो हमारी जो न्यूज़ थी वो भी हमने बहुत ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के सोर्स की थी, और आज जो आज की खबर है क्योंकि ये नई डेवलपमेंट है, ये भी आपको देनी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इस में हम आपको बताएँगे कि बहुत ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है उसने अब एच ई सी को एक लेटर लिखा था, जिसके अंदर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एच एस सी को लेटर लिखने के बाद ये कहा था कि हमें बीए, बीएससी और एमए, एमएससी के इम्तिहान, यानी जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका है उससे लेने की इजाज़त दी जाए, लेकिन एच एस सी ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और उन्हें इम्तिहान लेने से मना कर दिया है कि वो ट्रेडिशनल तरीके से एस ओ बीज के तहत भी इम्तिहान नहीं ले सकते। तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने हालांकि एच एस सी से दरख्वास्त की थी कि उनके यूनिवर्सिटी के माली हालात ठीक नहीं हैं, यूनिवर्सिटी काफ़ी मुश्किल में है, अगर उन्होंने बीए, बीएससी या एमए, एमएससी के दाखिले पेपर ना लिए तो मजीद दाखिले नहीं होंगे, जिससे यूनिवर्सिटी मजीद माली बुरहान का शिकार हो जाएगी। लेकिन एच ई सी ने उनकी ये सारी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें इम्तिहान लेने से रोक दिया है। तो स्टूडेंट, अब आपको ये बताना है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान अभी जो सितंबर के महीने में पहले शेड्यूल कर रही थी कि वो बीए, बीएससी के पेपर लेगी, अब वो नहीं ले रही क्योंकि एच ई सी ने उन्हें रोक दिया है। तो अब स्टूडेंट, अगली न्यूज़ ये है कि जब 15 सितंबर को यूनिवर्सिटी ओपन होगी, यानी जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसके बाद ही बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान कोई बीए, बीएससी या एमए, एमएससी के पेपर या बीकॉम के पेपर लेने का कोई मंसूबा बनाएगी 15 सितंबर के बाद। तो 15 सितंबर से पहले आपके पेपर होने का कोई चांस नहीं है, वो भी 15 सितंबर के बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान पेपर लेने का शेड्यूल का ऐलान करेगी। सोशल मीडिया पर जो इतलात जा रही हैं वो सारी गलत हैं। अब आपको ये कन्फर्म न्यूज़ जा रही है कि 15 सितंबर के बाद ही बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान इस सिलसिले में कोई प्रोसीजर बनाएगी। तो आपने अपनी तैयारी जारी रखना है क्योंकि एच एस सी ने वाज़ह तौर पर कहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थी न्यूज़ जो हमें आपको देनी थी। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सनराइज़ एकेडमी को, तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि बीए, बीएससी या किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई नई अपडेट हो तो हम आप तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम।